बूढ़ा लग रहा है अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे सॉरी अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे 10 से ऊपर बज रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। कितना टाइम बज रहा है मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। तो मैं सीधे खाना बना रही हूँ, नाश्ता बनाई थी सिर्फ रोटी, क्योंकि सब्जी रात की बची हुई थी, छोला बनाए थे कल तो सब्जी रात की बची हुई थी तो वही सब्जी मैं गर्म कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बाबू को छोला बहुत पसंद है तो वही छोला। और सिर्फ रोटी अभी बनाई और किचन का हाथ बहुत गंदा है, किचन का हालत अभी बहुत गंदा है तो अभी मैं सीधे खाना बना रही हूँ। तो आज खाना में मैं दाल भात आलू का मसाला वाला भुजिया बना रही हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अभी तेल में डाल दी हूँ गरम करने के लिए, आज पता नहीं क्या हुआ, मैं बोलना कुछ और जा रही हो कुछ और जा रहा है। तो देख सकते हैं भुजिया मैं भूंज रही हूँ, इसमें मेथी का फ़ोरन दी और दाल भी बैठा दी हूँ साथ में। किचन अभी दिखा नहीं सकती हूँ इसलिए क्योंकि बहुत बहुत गंदा है, तो अभी मुझे साफ़ करना है। आज हम लोग देर से सो के उठे क्योंकि बाबू का छुट्टी चल रही है और हस्बैंड को 10 बजे से ऑफिस जाना रहता है, नहीं तो 9 बजे से, इसलिए आराम से काम हो जाता है, इसलिए मैं लेट से बेड आजकल उठ रही हूँ। और तो आप लोग मेरे चैनल को वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो मुझे बहुत सारा टॉपिक पे बात करना है, बहुत सारा टॉपिक है ऐसा जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं फैमिली के बारे में बात करना चाहती हूँ कि फैमिली अगर आपके पास पैसा है सब चीज़ है तो फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इग्नोर करती है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। अच्छा फिलहाल अभी सपना चौधरी और उनकी ननद अंशु का वीडियो आया है तो मुझे लगता है कि सपना चौधरी जो बोल रही है एकदम सही बोल रही हैं। वो सपना चौधरी को सपना चौधरी के हाल पे ही छोड़ दे, क्यों उन पे फेक गलत वीडियो बनाते हैं आप लोग। ये बात सही है कि जिस पे बीतता है वही समझता है, उसका दर्द वही समझता है। सपना चौधरी ने फिलहाल अपने सेकंड हस्बैंड को भी खो दिया है, आप कम से कम सपना चौधरी के बारे में नहीं सोच सकते तो उनके दोनों बेटियों के बारे में सोचिए, और सपना चौधरी के माँ बाप के मतलब कि सास ससुर के बारे में सोचिए, उनको क्या करना है वो क्या नहीं करना, वो खुद समझदार है, वो खुद से अपना अपना समझ लेंगे। इससे गलत गलत वीडियो बनाना बंद कीजिए आप लोग, पता नहीं क्यों आप लोग गलत गलत वीडियो बनाते हैं। आजकल हर जगह गलत ही चलता है, फैमिली का तो मतलब ही ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मतलब से लोग मतलब रखते हैं बस, फैमिली का तो मतलब ही ख़त्म हो चुका है। अभी पता नहीं सपना चौधरी के रिलेशन में किसका बर्थडे था और वो बर्थडे का वीडियो डालना ही नहीं चाहिए था किसी को भी, क्योंकि अभी फिलहाल राजवीर जी को गए हुए अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। और खैर वो उन लोग का फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि सपना चौधरी सही बोल रही थी कि उन पर गलत गलत वीडियो बनाना बंद करे, और सिर्फ व्यूज़ के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए लोग गलत गलत वीडियो बनाते हैं और थंबनेल भी गलत लगा देते हैं। तो बहुत बहुत गलत बात है, किसी अपना काम करिए,
बोलना है तो अच्छा बोलिए, अगर आप दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम दुख दीजिए भी मत। किसी का आप दुख कम नहीं कर सकते तो दुख देने का भी कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। अभी बहुत सारा काम है, बहुत गर्मी है। आप लोग की तरफ गर्मी कैसी है जरूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं लेटी हुई अभी खाना बना रही हूँ, सोच रही मैं तुरंत खाना बना लूँ, नहीं तो गर्मी में एकदम मन नहीं करता है। सिर्फ चावल दोपहर में सिर्फ चावल बनाना होगा, और बहुत गर्मी है। किचन तो इतना गंदा हुआ है कि बता नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन निकाली हूँ, वो सब धोने के लिए बहुत दिन से निकला नहीं है, तो सब सोच रही हूँ मैं धो धो के हटाऊँगी उससे, क्योंकि किचन में बहुत बर्तन हो गए हैं, तो सबको एक्स्ट्रा बर्तन जो भी है मैं उसको हटा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा डस्ट पड़ जाता है, जो बर्तन यूज़ में नहीं आता है उसको रखे रखे उसमें भी डस्ट पड़ जाता है, तो इसलिए किचन अभी बहुत मेसी हुआ है। आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारा बर्तन हटा के और उसे मैं कपबोर्ड में अलमीरा में रख दूँगी, जहाँ मैं सारा क्रॉकरी अपना रखती हूँ, तो सोच रही हूँ मैं वहीं रख दूँ। तो आज जो भी मेरा दिन का एक्टिविटी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। आज ज़्यादा एक्टिविटी मैंने ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इतनी गर्मी है, कम यहाँ 45 डिग्री से ज़्यादा है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस रूम से तो निकलने का मन नहीं करता है, बाबू के रूम में तो एकदम जाने का ही मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मेसी बाबू का भी घर रूम हुआ है, क्योंकि अभी मैं ब्लैंकेट ड्राइवर्स करके आया है तो ऐसी पड़ा हुआ है, और मैं शादी से लौट के आई हूँ तो अभी तक मैं सामान भी नहीं अभी तक पूरी तरह से अच्छा से रखी हूँ, उसे भी मुझे एडजस्ट करके रखना है। ये देखिए किचन उचन एकदम साफ हो चुका है, नीट हो चुका है। ये सब अभी रखना है, बाबू करूँ। तो ज़्यादा कोई काम नहीं था, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्यों मैं पेट में दर्द, सर में दर्द, इसलिए मैं तेल ऑयल डाल ली, सर में ऑयलिंग कर ली, और पेट में भी हल्का हल्का दर्द है, और बाबू पड़ रही है तो जो सपना चौधरी है उनके भाई अपने बेटे का बर्थडे बनाए हैं, तो वही शायद वीडियो डाल दिए हैं, तो लेकिन अब डिलीट कर दिए हैं स्नैपिगल से, जो है सपना चौधरी उनके भाई। लेकिन अब शायद डिलीट कर दिए, लेकिन उनको भी नहीं डालना चाहिए था, खैर वो उन लोग का फैमिली मैटर है उस, लेकिन सपना चौधरी अपने वीडियो में बोल रही थी, अरे ये कोई बोलने वाला बात तो है नहीं, ये तो सही में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन ये उन लोग का फैमिली प्रॉब्लम है, वो जाने, और फैमिली में तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, सबके फैमिली में प्रॉब्लम रहता है, कोई कोई फैमिली में लड़का लड़की में फ़र्क करता है, कोई फैमिली में पैसों को लेके प्रॉब्लम रहता है, कोई फैमिली में किसी को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार है तो किसी को अपने बेटे से ज़्यादा प्यार है। अच्छा है कि मुझे एक बेटी है, मैं भी शायद फ़र्क, बेटा बेटी होता तो शायद मैं भी फ़र्क करने लगती, लेकिन मुझे एक बेटी ही है इसलिए ठीक ही है जो मुझे
या तो दोनों बेटा ही होता या तो दोनों बेटी ही, अगर हमको दो रहता तो या तो हमको दो बेटी होती या तो दो बेटा ही होता शायद। मैं भी, और ये मैं देखती हूँ सब, बेटा बेटी में बहुत लोग फर्क करता है, कोई अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है तो कोई अपने बेटा से ज्यादा प्यार करता है। जरूरत के सामने समय आपको कोई काम नहीं देता है, कोई नहीं। ये चीज़ मैं हमेशा मैं देखी हूँ कि जरूरत के समय कोई काम नहीं देता है, और जब काम रहता तो सब आपको पूछेगा, जब काम नहीं रहता तो कोई नहीं आपको पूछेगा। सपना चौधरी को देख के लगता है कि नहीं, जितना दिन जीवन है उसको हंसकर अच्छे से बिताना चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ कोई नहीं जानता है। तो आज ज्यादा मैं कुछ शेयर नहीं की हूँ, और बाबू अभी पढ़ रही थी अभी। हेलो, गुड इसका इवनिंग। इसका कोचिंग बंद है और सिर्फ ट्यूशन है। स्कूल में तो समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, छुट्टियां चल रही है, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं इधर बारिश कब, इतनी गर्मी है, 45 डिग्री से भी ज़्यादा है, 47-48 डिग्री ऐसे है यहाँ गर्मी। और न्यूज़ में तो आ ही रहा है कि यहाँ बारिश होगी बारिश होगी, पर अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, और छत पे जाने का मन नहीं करता है, कपड़ा पसारने के लिए या कहीं भी जाए ना, कुछ करने का मन नहीं करती, इतनी गर्मी है। इस रूम से तो निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए ज़्यादा मैं आज सूट नहीं कर पाई, और रात में सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि आलू की भुजिया है, दाल है, कुछ सब्जी उब्जी नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं।눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기 ये देखिए मेरे पति देव खाना खा रहे हैं, गुड इवनिंग ऑफिस से आ फ्रेंड्स। गए हैं। दाढ़ी तो ऐसे बढ़ा के रखे हैं जैसे कि इतना गुड बिजी, इवनिंग। इतना बिजी आदमी है, बाबा वेरी तो बहुत कस के इनको वेरी बिजी। भूख लगी है। रवि देखिए कितना टाइम हो रहा है, रात के 8 बज मम्मी को रहे तो ब्रेड सेक देना। हैं। इधर बाबू को देखिए, तो अभी अभी जस्ट ये ऑफिस से आए हैं, तो आप लोग भी आई खाने के लिए। देखिए मेरे फ्रेंड लोगों ने पूछे खाने के लिए। सॉरी सॉरी, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। हम दे रहे तो हम लोग अभी ऐसे जागेंगे, अभी सोएंगे नहीं, मेरी दाढ़ी कुचली कुचली बूढ़ा लग रहा है, अपने आप को एकदम मेंटेन नहीं करता है, पता नहीं अपने आप को। मन तो करता है कि छोड़ छाड़ के सब भाग जाए, दुनिया में जो कोई अपना नहीं है। पहला पल वाला ज्यादा नहीं बोलिए ना, कम बोला कीजिए, सेहत पे फायदा करेगा। मम्मी का डायलॉग हम क्या ढूंढ, आप ढूंढ लीजिए ना, हमको जरूरत नहीं है। हाँ तो हमको हमको क्या बहुत जरूरत है, दिक्कत क्या है इसमें, सेविंग नहीं कर सकते हैं कम से कम, सेविंग तो कर लिया कीजिए। नौटंकी तो ये अपने को शेर समझते हैं, इनको पता ही नहीं है कि शेर पे सवार देवी माही करती हैं। अपने आपको एकदम मेंटेन नहीं करते हैं, एकदम नहीं, दाढ़ी पका हुआ है एकदम, दाढ़ी आप बड़ा कौन बड़ा, नंबर, हमको ब्याह करना है। मैं जो ब्याह करता है वही एकदम चिकना चुपड़ी बन के रहता है,
इनको ना शादी करने का दोबारा मन है, इसी के लिए हमको बार बार सुनाते हैं। सुबह उठते हैं और बस 8 बजे सो के उठना है, देरी हो रही, देरी हो रही है, बस नहाने घुस जाना है। नहा के पक्का 1 घंटा से पहले नहीं निकलते, नहाने घुसते हैं एकदम टाइम से हर निकलते हैं पक्का ऑफिस जाने के टाइम में। और सेविंग नहीं करते हैं, भाग गए पापा भाग गए आदत है। तो आप लोग के भी हस्बैंड ऐसे करते हैं जरूर बताइएगा, सबको यही सोचता होगा कि अरे हेलो बीवी बच्चा अपने ठीक से रहता है, इन पर ध्यान नहीं देता है, तो क्या है रोज मैं इसी के लिए इनसे बोलती रहती हूँ। हमको बहुत मजा आता है पापा का ऐसा झगड़ा देखने में, पापा और मम्मी सेविंग करने बोलते हैं। डायरी अभी देखिएगा तो एकदम पका पका डायरी, एकदम बड़ा बड़ा एकदम डायरी बढ़ा बढ़ा के रखे है। पापा बोले मैं साधु बनूंगा। कहावत नहीं है, कहावत नहीं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। कौन सा साधु का तो नाम भी लेते हैं। तो ये तो हमेशा नोक जोक होता ही रहता है। को उल्टा कर देंगे, 900 बिल्ली खा के चूहा आज को चली कर देंगे। आप तो कांपती हुई भीगी बिल्ली है, कांपती हुई। तो ये ऐसे रहते हैं 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे सेविंग करते हैं। नहीं तो ऐसे मूड में रहेंगे तो रोज सेविंग होगा, नहीं तो इनसे कोई सेविंग नहीं करा सकता है। दाढ़ी एकदम बड़ा बड़ा के एकदम उजला उजला दाढ़ी हो चुका है, अपने आप को एकदम मेंटेन नहीं करना, मेरे टाइम पे हेयर कटिंग नहीं लेना, बाल तो लगता है एक चोटी बांध दीजिए, एक चोटी बंद आ जाएगा बाल। मम्मी पापा को एक चोटी करके बाल भेजा करो। कभी कभी तो मन करता है कि क्या करें हम, लेकिन हम लोग कर क्या सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसी का फायदा जेंट्स लोग उठाता है। अब बाबा आपको ना कल से एक चोटी बना के ऑफिस जाना। हंसते है तो ए चुप, हम नहीं हटेंगे। हंसते है तो मेरे देह में आग लग जाता है। हटिए अभी उठिए। पानी से और आग बढ़ता नहीं। तो आई होप मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, ये हमेशा होते रहता है, जब तक सेविंग नहीं करेंगे हम लोग में झगड़ा होता ही रहेगा। अरे पंखा ऑन करो, नहीं पंखा ऑन करिए तो क्या होगा, ये ऐसी हम लोग में झगड़ा होते रहता है। और ये मेरा बात एकदम नहीं सुनते हैं, हम क्या ढूंढ लें, आप ढूंढ लीजिए ना, आपको जरूरत है, आप पगलाए हुए, हम नहीं पगलाए हुए हैं, इसीलिए बार बार बोलते हैं हम पगली लगेंगे, सब लगेंगे आपको। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो एकदम परेशान हो गई अपने लाइफ से, एकदम वो क्या होता है फ्रस्ट्रेटेड, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, एकदम मैं अपने लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, एकदम मेरा बात नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है कि शादी जैसे जैसे पुराना होता जाता है, हस्बैंड का इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है अपनी वाइफ में, बस मोबाइल लेके बैठ गए, देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ मोबाइल, मोबाइल के पीछे तो पागल है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलती हूँ आपको एक अच्छे एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय, गुड नाइट।